पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आपको जय यीशु प्रभु यीशु का कफरनहूम आए, शिष्यों को बुलाए और बहुत सारे लोग उनके पीछे हो लिए। आज अध्याय 5 वाक्य 1 और 2 में हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और बैठ जाते हैं, लोगों को शिक्षा देने वाले हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 5 प्रवचन प्रभु यीशु का है, उसमें सबसे लंबा प्रवचन अध्याय 5 में शुरू होता है। अध्याय 5 से अध्याय 7 तक हम इस प्रवचन देख रहे हैं। जैसे मूसा सीनाई पहाड़ी में लोगों के लिए आज्ञाएं बताए, इसराइल के लिए आज्ञाएं बताए, उसी तरह नया इसराइल के इस नया कलीसिया का प्रारंभ में प्रभु यीशु उनके लिए स्वर्ग राज्य का आज्ञाएं आशीर्वादन सुनाने वाले हैं। प्रभु यीशु मोसेस जैसा है, क्योंकि हम देखते हैं अध्याय 7 वाक्य 28 उसी वाक्य को लगभग उसी स्टाइल में हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 45 में। प्रभु यीशु रब्बाई जैसा है, यहूदी लोगों का गुरु जैसा है, रब्बाई लोगों के साथ भी शिष्य लोग चलते थे। बहुत सारे समानताए हैं, लेकिन बहुत सारे असमानताए भी हैं। हमारे कलीसिया के प्राचीन गुरुओं में श्रेष्ठ है तर्तुल्यन, क्रिसोस्तोम आदि व्यक्तियां। उन संत लोग इन बातों में मनन चिंतन करते हुए बताते हैं, मूसा सीनाई पहाड़ी के शिखर से लोगों के बीच में आकर उनको आज्ञाएं सिखाया, जैसे व्यभिचार नहीं करो, चोरी नहीं करो, हत्या नहीं करो। आज प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, ये एक फर्क उन लोग बताया है। प्रभु यीशु चाहते हैं अपने शिष्य का स्तर थोड़ा सा और ऊंचा हो, थोड़ा सा उनका विश्वास गहरा हो, उनका धार्मिकता गहरा हो। प्रभु यीशु कहते हैं अध्याय 5 वाक्य 20 में, आपका धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से गहरी होना चाहिए। प्रभु यीशु का जो पढ़ाई है, जो सीखे, उसने जो बातें सिखाया, ये यहूदी रब्बायों जैसा है, लेकिन रब्बाई जैसा नहीं है, क्योंकि अध्याय 7 वाक्य 29 में स्पष्ट रूप में बताया है, ये शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा दे रहे थे। प्रभु यीशु अपना प्रवचन शुरू किया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग राज्य इस शब्द संत मत्ती के सुसमाचार में हम 32 बार देखते हैं। ईश्वर का राज्य इस शब्द इसी मतलब से इस शब्द 4 बार हम देखते हैं। ईश्वर का राज्य हम देखते हैं अध्याय 12 वाक्य 28, अध्याय 19 वाक्य 24, अध्याय 21 वाक्य 31 और 43 में। वाक्य 43 में जो शब्द है वह अनुवाद में, हमारे हिंदी अनुवाद में भी और भी कुछ भाषाओं में अनुवाद करते समय स्वर्ग के राज्य लिखा है, लेकिन ग्रीक भाषा में संत मत्ती का मूल बाइबल में लिखा है बसिलेइया तेओ, ईश्वर का राज्य लिखा है। इसलिए दोनों मिलाकर 36 बार संत मत्ती ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं। धन्य है ये शब्द पुराने विधान का एक रीति है, जब महत्वपूर्ण बातें घोषणा करते समय इस शब्द का इस्तेमाल हम देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे स्तोत्र ग्रंथ इसी शब्द से शुरू होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 में, अध्याय 2 वाक्य 12 में, अध्याय 105 वाक्य 3 में, 118 वाक्य 1 में, इसी अष्टावक्र ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 18 में। धन्य हो, आनंदित हो, इस मीनिंग में आता है। ग्रीक भाषा में संत मत्ती इस्तेमाल किया है मक्कारियोस,
कौन धन्य है जो अपने को दीनहीन समझते हैं। दीनहीन समझना यह पुराण विधान का एक बहुत सुंदर संकल्पना है। ईश्वर के गरीब हिब्रू भाषा में अनादीम यावे बताया है, जो अपने को दीनहीन समझते हैं। इसयास नवी के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 19 में हम देखते हैं, दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र है वे इसराइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 19 में और सेफानिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3 में भी हम यही बात देखते हैं। अनावीम एक बहुवचन है, अनाव एक वचन है। हम देखते हैं गणना ग्रंथ में अध्याय 12 वाक्य 3 में इस एक वजन इस्तेमाल किया है। पुराने विधान में एक ही बार इस एक वजन सिंगुलर इस्तेमाल किया है, अनाव। यह मूसा के बारे में बताया है, मूसा सबसे नम्र था। ईसा नवीन विधान का मूसा है। प्रभु यीशु ईश्वर के गरीब है, अनाव यावे है। ये बात हम देखते हैं संत पौलुस के फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 2 वाक्य 6 और 7 में। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु वास्तव में ईश्वर थे, उसको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन वे दास का रूप धारण किया, हमारे समान बना और अपने आप को दीनहीन बना लिया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 9 और 10 में, आप जाते समय सोना चांदी या पैसे साथ में नहीं रखो, रास्ता के लिए ना चोड़ी ना दो कुर्ते ना जूते ना लाठी ले जाओ, पूर्ण रूप से गरीब बनो। हम देखते हैं मां मरिया के स्तोत्र गीत संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में इस बात हम देखते हैं, इसको हम मैग्निफिकात बताते हैं। यह अनाविम यावे वालों का स्तोत्र गीत है। आजकल बाइबल का बहुत सारे अनुवाद आते हैं, इनमें एक अनुवाद का नाम है स्कॉलर्स वर्शन बाइबल। उस बाइबल में यह लिखा है, कंग्रेचुलेशंस टू द पुअर इन स्पिरिट। जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं उनको बधाइयां, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आपसे 3 प्रश्न मैं पूछता हूं। मूसा के बारे में गणना ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 3 क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न ये है, शास्त्रियों के जैसे नहीं अधिकार के साथ प्रभु यीशु शिक्षा दिए, इस बात संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 में कौन सा वाक्य में बताया गया है? तीसरा प्रश्न ये है, प्रभु यीशु ईश्वर के गरीब हैं, अपने आप को दीनहीन बनाए, ये फिलिपिया नाम पत्र में कौन सा अध्याय में कौन सा वाक्य में हम देखते हैं? सबको आगमन काल की शुभकामनाएं।